अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में कि हम सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा हुआ था स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर यूनियन ऑफ टू सेट्स के हम दो सेट्स के बीच में यूनियन मालूम कर सकते, मतलब यूनियन ऑपरेशन कर सकते। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था स्टूडेंट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था हमने स्टूडेंट, और उन पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए थे स्टूडेंट। सेट्स पर जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, मतलब सेट्स पर हम कौन और कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब हम टू सेट्स के बीच में हम डिफरेंस मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम एक्सरसाइज में देख लें, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लें, तो इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। हमारे पास सेट्स गिवन है स्टूडेंट, हमें क्या कह रहे हैं कि ए, ये साइन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डिफरेंस का है, कि ए डिफरेंस बी मालूम कर ले और फिर बी डिफरेंस ए मालूम कर ले। स्टूडेंट बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ, हम किस तरह डिफरेंस मालूम करेंगे स्टूडेंट। सेट्स हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1, 3, 5, 7 के बराबर है। बी हमारे पास सेट्स क्या है स्टूडेंट, बी हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट में टू सेट्स गिवन है, हमें कह रहे कि ए डिफरेंस बी मालूम कर ले और फिर बी डिफरेंस ए मालूम कर ले। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या मालूम कर लेंगे, ए डिफरेंस बी मालूम कर लेंगे। तो लिख ले फर्स्ट वी फाइंड ए डिफरेंस बी। स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले हम ए डिफरेंस बी मालूम करेंगे, ए डिफरेंस बी। तो स्टूडेंट ए डिफरेंस बी किस तरह मालूम करेंगे, ए डिफरेंस बी मालूम करेंगे, तो ए सेट लिख ले, ए सेट हमारे पास 1, 3, 5, 7 है स्टूडेंट। अच्छा, डिफरेंस लगा ले दरमियान में, और इसके बाद बी है तो बी सेट लिख ले, बी सेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बी सेट हमारे पास स्टूडेंट ये मौजूद है। अरे स्टूडेंट प्रोसीजर क्या करेंगे डिफरेंस में, हम मेन चीज़ क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंस में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब इस सेट से पहले वाले सेट से हम सेकंड वाले सेट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या स्टूडेंट, इस सेकंड वाले में इस सेकंड सेट में हमारे पास जो भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो एलिमेंट यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे, ख़त्म करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 मौजूद है स्टूडेंट, तो यहाँ से 3 को ख़त्म कर ले, मतलब 3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा 5 यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से भी 5 सब्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अच्छा स्टूडेंट 7 भी यहाँ पर मौजूद है, तो 7 भी ख़त्म हो गया। अभी 8 तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन तो मैंने कर ली, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो भी मौजूद था वो मैंने यहाँ से इससे सब्ट्रैक्ट कर लिया। अभी आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, आंसर जो इस सेट में रह जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो क्या रहेगा, 1, तो 1 हमारा क्या है स्टूडेंट, आंसर है। याद रखिए यहाँ पर तो 8 भी रह गया, लेकिन हमारा इस सेट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है स्टूडेंट, हम ये वाले एलिमेंट इस फर्स्ट सेट से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ जो भी आंसर आ जाएगा वो हम लिख लेंगे, जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आंसर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो 1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। अगर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नाउ अब हम क्या करेंगे, बी डिफरेंस सेकंड पार्ट मालूम करेंगे स्टूडेंट। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, बी डिफरेंस ए मालूम करेंगे। तो नाउ बी डिफरेंस ए, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बी डिफरेंस ए मालूम करेंगे। तो बी डिफरेंस ए, अभी क्या है स्टूडेंट, बी पे ले, तो बी सेट्स लिख ले, बी सेट पे ले लिख ले, बी सेट हमारे पास क्या मौजूद है स्टूडेंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा ये साइन लगा ले स्टूडेंट, एस ए, तो ए सेट हमारे पास क्या है, 1, 3, 5, 7 हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट। अच्छा क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारा प्रोसीजर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। इन तमाम एलिमेंट्स को फर्स्ट वाले सेट से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3, 1 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, छोड़ दे। 3 यहाँ पर मौजूद है, इससे भी चला गया, ख़त्म होगा। 5 यहाँ पर मौजूद है, 5 भी चला गया स्टूडेंट। 7 यहाँ पर मौजूद है, 7 भी चला गया। अभी स्टूडेंट आंसर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन तो हो गई, अब इसमें जो एलिमेंट रह गए स्टूडेंट वो हमारा आंसर होगा। तो 4, 6 और 8 हमारे पास जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, इसको छोड़ दे स्टूडेंट, इसकी बात हम नहीं करेंगे। अब इसमें
फर्स्ट वाले सेट में हमारे पास जो भी एलिमेंट रह गए वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। स्टूडेंट अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, जो हमारे पास पार्ट सेकंड में जो हमारे पास सेट्स गिवन है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ए, और बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। स्टूडेंट ये हमारे पास टू सेट्स गिवन है। अभी क्या करेंगे, वही प्रोसीजर है, ए डिफरेंस बी मालूम करेंगे और बी डिफरेंस ए मालूम करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, ए डिफरेंस बी मालूम करेंगे और बी डिफरेंस ए क्या करेंगे, मालूम करेंगे। अच्छा स्टूडेंट बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन फर्स्ट वी फाइंड ए डिफरेंस बी, पहले हम क्या करेंगे ए डिफरेंस बी को मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट ए डिफरेंस बी को मालूम करने का क्या तरीका है, ए सेट लिख ले। ए सेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 0 प्लस माइनस 1 का मतलब है कि ये प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 हमारे पास ये है, दरमियान में डिफरेंस साइन लगा ले। बी सेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, खाली माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी प्रोसीजर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें जो भी मौजूद है वो इससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक करेंगे। अच्छा माइनस 1 स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देख ले तो प्लस 1 और माइनस 1, तो 0 तो यहाँ पर 0 मौजूद नहीं है, मतलब इसमें तो 0 रह गया स्टूडेंट, नीचे कर ले। अच्छा माइनस 1 अगर हम इससे स्टूडेंट ये प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है, प्लस और माइनस 1 का क्या मतलब है कि प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है, तो इससे स्टूडेंट माइनस 1 तो माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो खाली क्या रह जाएगा, 1 मतलब प्लस 1 रह जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट माइनस 2 इससे ये प्लस 2 भी है और माइनस 2 भी, अगर हम माइनस 2 से सब्ट्रैक्ट कर ले यहाँ से तो प्लस 2 रह जाएगा खाली 2, यहाँ से माइनस 3 कर ले तो हमारे पास खाली 3 रह जाएगा, जो हमारे पास ए डिफरेंस बी मतलब रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट बी डिफरेंस ए की, वही प्रोसीजर है, लेकिन क्या करना है स्टूडेंट, बी सेट को क्या करना है, पहले लिखना है। बी सेट हमारे पास माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 है, और ये कर ले स्टूडेंट। और ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। अच्छा स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा हमारा, सब्ट्रैक्शन, क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट 0 तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, छोड़ दे, प्लस माइनस 1 मतलब प्लस 1 भी है माइनस 1 भी है, मतलब माइनस 1 भी है तो ये भी चला गया, प्लस 2 और माइनस 2 मतलब माइनस 2 भी है तो ये भी सब्ट्रैक्ट कर ले, प्लस 3 मतलब और माइनस 3 मतलब माइनस 3 भी मौजूद है, तो स्टूडेंट माइनस 3 भी चला गया, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा स्टूडेंट, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास एम्प्टी होगा। तो स्टूडेंट बी डिफरेंस है हमारे पास एम्प्टी सेट है, जो कि खाली सेट है।